किसी के साथ गलत होता है ना, तो हम सब लोग अगर साथ खड़े नहीं है ना, तो यार शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। आज की दुनिया में और आज की लाइफ में ना अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है इंसान के लिए। अवेयरनेस इज समथिंग कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे अराउंड क्या हो रहा है, उस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं। और आज हम डिसाइड करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो यार इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको लगता है ना यार मैंने कुछ बात करी है जो आपको समझ आई है और आपको लगता है मेरे को कुछ इंप्रूवमेंट भी करना चाहिए, तो डेफिनेटली मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। तो यार स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पॉलिटिक्स कितना जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं, हम उनमें से किसी एक को वोट देते हैं, वो आगे जाके किसी पोस्ट में जाता है और वो फिर हमारा ही हरासमेंट करता है। अपने आसपास एक चीज को नोटिस करिए कि यार क्या गलत हो रहा है, और उस चीज के अगेंस्ट अगर आप मतलब कुछ गलत हो रहा है तो उस चीज के अगेंस्ट अवेयरनेस होनी चाहिए आप लोगों पे। मीडिया आज की डेट में सच्चाई छुपाने के लिए हो गया है, लॉयर केस दबाने के लिए हो गए हैं, डॉक्टर हेल्थ खराब करने के लिए हो गए, पॉलिटिशियन सिर्फ वोट के लिए हो गए हैं। आपके बारे में आखिर सोच कौन रहा है? हमारे आसपास जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, आई एम रियली फीलिंग बैड कि यार यहाँ पे ना रिसेंटली मैंने एक बहुत बुरी न्यूज सुनने में आई कि हमारी छोटी बहन जो भी हुआ, वी ऑल नो अबाउट दैट, हर नेम इज अंकिता भंडारी, शी वाज इवेंचुअली किल्ड। सब केस अब ह्यूमन राइट्स की बात करने लग जाते हैं इस टाइम पे। कहाँ किस हद तक ये जायज रह गया है कि यार हम लोग ना बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते और बस हम कैंडल मार्च कर सकते हैं इंसान के लिए। इसको देख के हम जानते हैं कि इसको जस्टिस नहीं मिलने वाला। एक टाइम आपने सुना होगा ना कि यार ये पार्लियामेंट में एक लॉ पास हुआ था जिसमें ऐसा कहा गया था कि MLAs, MPs इन सब की जो है जो इनको बेनिफिट्स मिलते हैं वो डबल हो जाएंगे, एंड विद इन अ डे वो लॉ पास हो गया। सोचने की बात यहाँ पे ये आती है कि यार जब असली लॉ पास करने होते हैं तो ये MLAs, MPs एक दूसरे का अपोजिशन करके, क्योंकि ये होता ही इनका ऐसा है कि एक दूसरे का अपोजिशन करके ये रोक देते हैं किसी भी लॉ को पास होने से। जब इनकी तनख्वाह की बात आती है कि इनकी जो एम्यूनिटीज, जो इनको सुविधाएं दी जा रही हैं वो डबल की जाएंगी और वो सीधे वोट देते हैं, तो यार ये सेल्फिश जो है ना हमारे देश को डुबा चुका है बहुत बुरी तरीके से। पॉलिटिक्स में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आपका यहाँ अपना कोई नहीं होता, कभी भी कोई भी आपकी पीठ में खंजर मार के निकल सकता है। आखिर इतने सारे लोग एक पॉलिटिशियन में ट्रस्ट क्यों करते हैं? पॉलिटिशियन का काम मैं बताता हूँ, बेसिकली उसका काम डेवलपमेंट नहीं होता है। आज के टाइम एजेंडा बन चुका है पॉलिटिशियन का काम। उसका काम ये नहीं रह गया कि वो डेवलपमेंट करे, उसका काम ये नहीं रह गया कि यार मैं देश के लिए कुछ अच्छा करूं, मैं बच्चों के लिए कुछ अच्छा करूं, एजुकेशन के लिए कुछ करूं। उसका काम है चुनाव जीतना और कुछ भी करके जनता का बेवकूफ बनाना। और इतने सारे लोग बेवकूफ बन रहे हैं, आई एम फीलिंग रियली बैड। सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं इवेंचुअली, क्यों बनते हैं बेवकूफ आइए वो भी जानते हैं। हिटलर ने इतने सारे लोगों को कन्विंस कर दिया था कि ज्यूज गलत हैं, ज्यूज को मारो, इतने सारे हाईली एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स, इतने सारे ह्यूमन जेनोसाइड हुआ वहां पे, एंड दैट इज रियली बैड। तो ऐसा सोचना कि हम इतने सारे भीड़ में लोग हैं हमारा कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, ये गलत है। पॉलिटिशियन की जब भी हमारे शहर में आते हैं ना तो सारा ट्रैफिक हटा दिया जाता है, रोडें बनने लग जाती है। तो आपको नहीं लगता क्या कभी जो पुलिस वाले आप लोगों का हरासमेंट करते हैं, जो लोग पुलिस वाले आपका चलान करते रहते हैं, वो उनको सैल्यूट कर रहे होते हैं रोड से जाते हुए? किस समाज में आ चुके हैं हम? आज की डेट में ये चीज यहां तक की वजह चलती है कि यार मतलब पॉलिटिशियन आ रहा है, रोड बन रही है, मुंह के आगे रोड बन रही है, मुंह के आगे मतलब जनता का बेवकूफ बन रहा है। हमारी कुछ वैल्यू नहीं रह गई आज की डेट में, मैं बता रहा हूँ, ये डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है। बहुत सारे मीडिया एजेंसीज थे ना वहां पे, बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया एजेंसी उसके जो फैमिली के अराउंड है माइक लेके लगे हुए थे कि यार ये क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। बल्कि मैं सबको पता था क्या स्टोरी है, जनता के समझ के बाहर हो चुका है कि ये जो मीडिया एजेंसी है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेल्फिश हो चुकी है। और कितना टाइम लगा है बात दबने में, कितना टाइम लगा? 4 दिन चली न्यूज, 4 दिन, सिर्फ और सिर्फ 4 दिन चली न्यूज, उसके बाद ये मामला दब गया। यही होता है हमारी कंट्री में। और बात ऐसी है ना, जब चुनाव होते हैं ना तो ये आपको कन्विंस कन्फ्यूज कर देते हैं, ये आपको मुद्दे भटका देते हैं। और समझदार इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरे लोगों को एजुकेट करें कि यार बेवकूफ मत बनो इन पॉलिटिशियन से। देखो मीडिया वाले जो थे ना वो हिमाचल प्रदेश से भी आए थे और बहुत दूर दूर से ना हमारे पौड़ी गढ़वाल में आए थे। क्यों आए थे वो? उनका कुछ मोटिव था, उनका ये था क्या कि न्याय मिलेगा? आपको लगता है कि मीडिया वाले इसलिए आए थे कि आपको न्याय मिल जाएगा उस लड़की को? अच्छा, बहुत सही सोचते हैं आप लोग भी ना, इसलिए तो आप लोग कंफ्यूज्ड हैं। एक्चुअल में वो इसलिए आए थे क्योंकि उनकी TRP का सवाल होता है। और अब 4 दिन बाद मैटर दब गया ना, तो TRP खत्म, कौन से मीडिया वाले उठा रहे हैं इस मुद्दे को, और कौन सा जस्टिस दिला दिया आपके उस इतनी खतरनाक रिपोर्टिंग ने? इससे तो यही पूरी जनता को आपने एक अच्छा खासा इंप्रेशन दे दिया ना कि भाई राइड कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। जब एक पॉलिटिशियन का लड़का कुछ गलत करता है ना तो ये हमारी वैल्यू है। और जनता ना चुप रहना ना ये गढ़वाल के लोगों को ना छोड़ देना चाहिए कि चुप रहे, हम छा पहाड़ी बहुत प्राउडली है यार, हम पहाड़ी हैं यार, बहुत सी वादियां हैं यहाँ पर, ये चीज़ें ना यहाँ होनी नहीं चाहिए। ठीक, पार्टियों ने बांट दिया शहर को, जो उस पार्टी में है जिस पार्टी का वो नेता था उस पार्टी के लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, और जो उस पार्टी में नहीं था वो लोग लगे हुए हैं। भले ही आपकी सरकार होती तो आप भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि लॉ तो आप पास करा नहीं पाए। और जब आपकी सैलरी इंक्रीज करने के लॉ आते हैं, जब ऐसे लॉ आते हैं जब सेल्फिश नेताओं को सब्सिडी मिलती है, तब ये खूब जाके तुरंत लॉ पास